So, hello everyone. Welcome to Physicam Academy, and please do like, share, and subscribe to support this free revolution. This is Shivani here, and I will be your educator for physical and inorganic chemistry. So, as you all know, जो लोग हमारे क्लासेस को कंटिन्यूस देख रहे हैं उन सबको पता होगा कि हमने कल जो पिछला वाला क्लास था हमारा, हमने वहाँ पे एडजॉर्प्शन पढ़ा था, है ना. सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा था. तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फेनोमेनन. सरफेस फेनोमेनन में जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बल्क से ज़्यादा सरफेस पे रहेगा, फेसेस में रहेगा, एक सॉलिड का बल्क से फेसेस में अगर उसका एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तब तब जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है. एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? उसका बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा. तो मैं अब एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोले कि वाटर, स्पॉन्ज वाटर में क्या होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है उसका सरफेस से ज़्यादा बल्क में प्रेजेंट होता है. तो ये कैसा प्रोसेस है? ये एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है. लेकिन अगर मैं बात करूँ, आपको एक चारकोल पाउडर ले लें, ठीक है, उसको जब हम डर्टी वाटर में डालें तो क्या होगा कि उस चारकोल पाउडर के ऊपर डॉट पार्टिकल्स जो होंगे उनका एक कोटिंग आ जाएगा. तो वो वाला जो प्रोसेस है वो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है. तब उसके बाद हमने पढ़ा था जो किस क्लासिफिकेशन पढ़ा था एडजॉर्प्शन का. फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है. फिजिकल में मतलब एडजॉर्प्शन जो होता है वो पूरा होल ओवर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वहाँ पे कम हीट रिलीज होता है, लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन हीट इज रिलीज मोर. वैसे ही फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर होता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनो लेयर होता है. केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन जो हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन एज दे आर इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन, दे आर ए कंपाउंड विल बी फॉर्म. ओके, सो वैसे ही हमने बहुत सारे पॉइंट लिखाया था मैंने आपको. उसके बाद मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन भी पढ़ाया था, है ना. टेम्परेचर कैसे कैसे टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है ऑन एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है. तो जो लोग ये वीडियो को, हमारा पिछले वाला जो लेक्चर हुआ था हमारा, जो लोग उसको नहीं देखे प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक है. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट. जो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन. फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है. एंड सब में आता है, नेट, गेट, जाम, टीफर, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है. जो जो मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगी सिर्फ उसी से ही आएगा. मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ. आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, एडजॉर्प्शन में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, एंड प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो भी सिंपल 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 ही आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. तो इसको अच्छे से क्लासेस में समझ लीजिए, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए कि हाँ मैम मुझे ये डाउट आ रहा है, ठीक है. तो हम मैं आपको उसको क्लियर करवाने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है. तो इस वीडियो के नीचे आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. एंड वो जो ग्रुप्स है वो कॉम्बाइंड ग्रुप है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, ठीक है. तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे. एंड अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो आप चाहे तो डायरेक्टली हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम आपका डाउट हर तरह का डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्स यू विल अपीयर इन द फ्यूचर. तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए.
होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक जब मैं शुरू किया था, मैंने आपको बोला था इसका नोट अलग से मैं नहीं दूंगी, आपको क्लासेस में ही नोट्स करवानी करना होगा, ठीक है? आप मेरे साथ साथ ही अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए, क्योंकि मैं आपको जो क्लास के स्लाइड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल लिखवा रहा हूँ एंड डिटेल में बता भी रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा नोट मैं नहीं दूंगी। एक छोटा चैप्टर है, तो इसी से जो क्लास आप कर रहे हैं मेरे साथ अभी, उसी से ही आपको नोट बनानी है, ठीक है? तो फिर बिना देरी किए चलते हैं क्लासेस की तरफ, ठीक है? ओके, तो अपना पेन कॉपी सब अच्छे से रख लीजिए एंड लिखते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है? तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में सब कुछ, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ, एक बार आज हम पढ़ने वाले क्या, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है? क्यों होता है कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। जो लोगों को मेरा वीडियो स्लो लग रहा है, वो लोग क्या करें, अपना वीडियो का स्पीड चेंज कर ले, 1.5 स्पीड स्पीड से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, रेसिडुअल फोर्सेस, रेसिडुअल फोर्सेस। तो रेसिडुअल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। रेसिडुअल फोर्स का मतलब है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, मैंने जब आपको लिक्विड स्टेट पढ़ाया था, आपको एक बात बोली थी हमने कि सरफेस टेंशन क्यों क्रिएट होता है। ये मान लीजिए कि हमने एक लिक्विड का कंटेनर लिया, यहाँ पे लिक्विड हमने ले लिया, ठीक है? लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड हमने लिया एक कंटेनर में, अगर मान ले बीच में एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करें एंड ऊपर सरफेस में अगर एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करें, वाटर मॉलिक्यूल को ले लेते, यहाँ पे कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है? तो वाटर मॉलिक्यूल में ये जो बीच वाला जो मिडिल में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, वहाँ पे चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। देखिए, मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो बीच में ये अंदर जो मॉलिक्यूल है, वहाँ पे चारों तरफ उसको जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर साइमल्टेनियसली फोर्स दे रहे होंगे, तो इसीलिए जो नेट फोर्स ये पार्टिकल जो फील कर रहा है वो जीरो हो जाएगा। देखिए, ये हमने एक वाटर कंटेनर लिया, कंटेनर में कोई भी सॉल्वेंट ले लें आप, ठीक है? तो अगर मान ले यहाँ पे एक मिडिल में जो बॉल जो कंटेनर हमने लिया, उसके बीच में हमने मॉलिक्यूल को इमेजिन किया, तो उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल विल बी जीरो, क्योंकि अपोजिट द फोर्सेस अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये फोर्स जो आ रहा है दोनों साइड से वो इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट रहा, वहाँ पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस में एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करूँ, यहाँ पे इसके ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नीचे वाला साइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे तो सिर्फ एयर है, वहाँ पे तो कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पे नीचे के साइड से फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होगा। तो इसी अनबैलेंस्ड फोर्स जो क्रिएट हुआ सरफेस के ऊपर, अनबैलेंस्ड फोर्स जो क्रिएट हुआ सरफेस के ऊपर, उसी को बैलेंस करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल सही या फिर जो सॉल्वेंट हमने जो भी आप बोल सकते हैं, जो आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, उसी अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए एडजर्प्शन शो करते हैं, ठीक है? तो एडजर्प्शन की होता है टू बैलेंस दिस अनबैलेंस्ड फोर्स, टू बैलेंस दिस रेसिडुअल फोर्स। वैसे ही ये हुआ आपका लिक्विड, देखिए एडजर्प्शन मैंने आपको बोला था किसके ऊपर होता है, आइदर लिक्विड
के ऊपर होगा या फिर सॉलिड के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर ड्यू दिस सरफेस टें यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है फॉर दिस मॉलिक्यूल, वैसे ही सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर वाटर जो भी हमने सॉल्वेंट लिया ये पर्टिकुलर कंटेनर में, यहाँ पे उस सरफेस में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का बहुत ज़्यादा रेसिडुअल फोर्सेस आ रहा होगा, तो उसी को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एडजर्प्शन शो करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सॉलिड का, सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड के केस में भी ऐसा ही होता है, सॉलिड के केसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड अगर मैं बात करूँ, ये एक पर्टिकुलर सॉलिड है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बल्क में जो सॉलिड का ये हुआ सरफेस, ठीक है। तो सरफेस के नीचे बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वहाँ पे भी मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के, ठीक है। हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर सोडियम आटम है या फिर सोडियम Na+ जो काटायन है वो एक सोडियम काटायन साइमल्टेनियसली सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, ठीक है। वैसे ही एक क्लोराइड आयन साइमल्टेनियसली सराउंडेड बाय 6 Na+ आयन, तो इसीलिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस होके अच्छे सा बॉन्ड बन रहा है। तो लेकिन अगर सॉलिड का एक क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ, क्रिस्टल में यहाँ पे बॉडी सेंटर में जो प्रेजेंट होगा, देखिए ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, यहाँ पे बहुत सारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मान ले ऐसे ऐसे करके एक पर्टिकुलर सॉलिड है, यहाँ पे बहुत सारे यूनिट सेल्स प्रेजेंट है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बहुत सारे यूनिट सेल्स प्रेजेंट है ये पर्टिकुलर पीस सॉलिड पीस के अंदर, ठीक है। तो वो यूनिट सेल जो अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस हो रहा होगा। यूनिट सेल मैंने आपको दिखाया कि पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक क्लोराइड आटम 6 Na+ आटम से सराउंडेड होता है, तो एक यहाँ पे अंदर वाला जो यूनिट सेल है वहाँ पे तो बराबर बैलेंस हो रहा होगा फोर्सेस। लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस है वहाँ पे मान लीजिए कि इस कॉर्नर पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर मान रहा हूँ कि जो सॉलिड है उसके अंदर जो फोर्सेस है वो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये क्लोराइड आयन जो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसके ऊपर तो कोई भी सॉलिड नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो आयन प्रेजेंट होगा उसका एक जो अनायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा सरफेस में। वैसे ही अगर सरफेस में कैटायन प्रेजेंट होगा उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अनबैलेंस हो रहा होगा। तो इसी अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए सॉलिड क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, या फिर एडजर्प्शन शो करते हैं, गैसेस को एडजर्प करते हैं या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल का एडजर्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एडजर्प्शन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं कि एडजर्प्शन आइसोथर्म आइसोबार आइसोस्टर्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें एडजॉर्प्शन, मेरे साथ साथ ही आप लिखते रहिएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो सबसे पहले देख लीजिए आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म होता है एक ग्राफ जो कि कब ड्रॉ होता है, ड्रॉ कब किया जाता है, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम जो प्लॉट बनाते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। वैसे ही जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं हम किसको कांस्टेंट रख के, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोबार, ठीक है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखकर हम एक प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करते हैं वहाँ पे वो पर्टिकुलर ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। तो आइसोस्टर क्या होता है, आइसोस्टर होता है देखेंगे हम आगे जाकर, ठीक है, पहले ड्रॉ कर लीजिए एडजर्सन आइसोथर्म क्या होता है। ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ये थीटा एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है,
कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। अच्छे से याद रखना, एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे पर्टिकुलर सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस का कंसंट्रेशन सरफेस में ज्यादा होगा देन इन द बल्क, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ओके। सो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज योर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। आगे हम जब हम लैंगमुइर एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे वहाँ पे थीटा को अच्छे से पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रख लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए यहाँ पे इतना कि थीटा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एंड पी इज योर प्रेशर। तो ये हम ग्राफ प्लॉट करें थीटा वर्सेस, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन थीटा वर्सेस प्रेशर के अंदर जहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। तो ये ग्राफ कैसा होगा? जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब मैंने आपको बताया था प्रेशर का फैक्टर कैसे डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर, देखिए एक पर्टिकुलर सॉलिड ले लीजिए। मान लीजिए कि हम प्रेशर लगा के गैस मॉलिक्यूल को सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कराएंगे, ठीक है। तो जब हम पहले पहले प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वहाँ पे, मैं मान रहा हूँ कि जो सॉलिड जो गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सॉलिड के करीब करीब आने लगेंगे पहले पहले, ठीक है। तो जितना करीब आएंगे उतना एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पीड अप होगा, तो जो पर्टिकुलर साइट होगा वो धीरे धीरे फील होने लगेगा। जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना जल्दी जल्दी जो सरफेस होगा वो पूरा कवर होने लगेगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा जहाँ पे पूरा जो साइट था वो कवर हो जाएगा एडजॉर्प्शन हो के। यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट थे, हमने क्या लगाया? प्रेशर। प्रेशर लगा के हमने क्या किया कि सॉलिड के ऊपर, सॉलिड के ये मान लीजिए कि ऐसे ऐसे साइड से, ठीक है, तो हर एक साइड में, तो ऐसे ऐसे करके साइड से, तो पर्टिकुलर साइट में एक पर्टिकुलर साइट में एक मॉलिक्यूल जाकर एडजर्ब होगा। ये पर्टिकुलर साइट में एक ही गैस मॉलिक्यूल आकर बैठ सकता है, एक ही जगह में एक ही, मतलब जैसे कि देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर मोनोलेयर, ये जो मैं आपको ग्राफ बताऊंगी ये मोनोलेयर के लिए है, ठीक है, फॉर मोनोलेयर। तो मोनोलेयर मतलब एक साइट के ऊपर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। मोनोलेयर मतलब सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होगा ना सॉलिड के ऊपर या फिर लिक्विड के ऊपर। तो इसीलिए जब हम पहले पहले प्रेशर को इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सॉलिड के करीब आने लगेंगे। तो जितना करीब आएंगे उतना ज़्यादा उनका एडजॉर्प्शन रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन एक, तो मान लीजिए कि मोनोलेयर एडजॉर्प्शन हो गया, तो एक पॉइंट रीच करेगा जहाँ पे मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हो गया होगा, ठीक है, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन ऑलरेडी हो गया होगा, मतलब सारे साइट आपका कवर हो गए होंगे। तो एक बार अगर सारे जो साइट है वो कवर हो गए, तो हम तो देखा कि यहाँ पे हमने मोनोलेयर की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार अगर पूरा साइट कवर हो गया तो बाद में मॉलिक्यूल्स आकर कहाँ में बैठेंगे? तो इसीलिए क्या होगा कि जब साइट पूरा कवर हो जाएगा तब आप जितना भी क्यों ना प्रेशर अप्लाई कर ले और एडजॉर्प्शन नहीं होगा, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी कांस्टेंट। जब वो मैक्सिमम एडजॉर्प्शन साइट को कवर कर जाएंगे तब वो मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है कि पहले पहले जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब पहले पहले इंक्रीज होता है, लेकिन जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर जाता है तब क्या होता है वो और एडजर्प्शन नहीं करता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या एडजर्प्शन आइसोबार क्या होता है, ठीक है। एडजर्प्शन आइसोबार हम ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच में? थीटा वर्सेस टी टेम्परेचर, जहाँ पे प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो जो जो हमने देखा था प्रीवियसली
प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो देखा था कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या होता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखिए पहले तो ये है कि एडजॉर्प्शन जो हमारा है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है मैंने भी ये भी आपको बताया था, क्योंकि गैसेस जो होते हैं वो अपना फ्री स्टेट में उनके उनके बीच में एनर्जी ज़्यादा होता है, तो जब वो सॉलिड के ऊपर एडजर्ब होते हैं उनके बीच में एनर्जी जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो जब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपका एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सॉलिड के ऊपर गैस मॉलिक्यूल आकर एडजर्ब हो गए उसके सरफेस के ऊपर, तो जब गैस मॉलिक्यूल्स फ्री मूविंग थे, जब उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, तो जब वो कांस्टेंट आगे आके बैठ गए सॉलिड के ऊपर, तो उनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया, तो वो जो एनर्जी रिलीज हो गया, तो उसी से उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक तो हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर फिर से हम उसको और ज्यादा एनर्जी देंगे तो प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो तब जाकर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ गया, इसीलिए टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा है आपके पास क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। यहाँ पे ग्राफ कैसे दिखता है, हमने ड्रॉ किया थीटा वर्सेस टी के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन आइसोस्टर के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्राफ ग्राफ को हम किसके बीच में स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं हम टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के। ठीक है, जहाँ पे हम कांस्टेंट रखते हैं किसको, थीटा को, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कांस्टेंट रखकर जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब हम वो जो पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ होगा उसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोस्टर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोस्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में, और टेम्परेचर वर्सेस पी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे थीटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे दिखेगा, टेम्परेचर को लिया हमने वाई एक्सिस में, प्रेशर को लिया हमने एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे ग्राफ दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक सॉलिड का सरफेस है। ठीक है, सॉलिड के सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर गैसेस आकर ऑब्जर्व हो रहे, ऊपर भी बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ये जो स्पीयर है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, थीटा जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है थीटा ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, एंड जब प्रेशर इंक्रीज होता है थीटा ऑफ एडजॉर्प्शन सॉरी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो थीटा जो थीटे का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो वैल्यू आएगा वो कुछ मिडिल मिडिल में आएगा, है ना। तो हमारा ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब देखिए, और एक बात यहाँ पे अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, नहीं इसको हम बाद में पढ़ते हैं, सिर्फ इसको याद रखिए कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आपका जो एडजॉर्प्शन का आइसोथर्म आइसोबार एंड आइसोस्टर था, हमने पढ़ा और भी एक पढ़ा कि कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, ओके, अब हम चलिए पढ़ते हैं लांगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है।
लैंगमुयर, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म क्या होता है, आज हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पोस्टुलेट बोल दूंगी, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले तो इसको याद रखिए कि जब लैंगमुयर एडजॉर्प्शन, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोनोलेयर की, लैंगमुयर एडजॉर्प्शन मतलब हम यहाँ पे बात करें किसकी, मोनोलेयर की, ठीक है। ओके, और एक पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ पे ये जो एडजॉर्प्शन होगा वो हम बात करेंगे किसके, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में नहीं, मतलब यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एंड मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ यहाँ पे मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले पोस्टेट लिख लीजिए, मैं आपको बोलूंगी, आप अपने कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट क्या आता है, पहला पोस्टुलेट आता है क्या, द सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, मैं स्क्रीन पे नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है, ठीक है। द सॉलिड एडजॉर्बेंट, ये है लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का थ्योरी, ठीक है, पोस्टुलेट्स। सो द सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस contains a definite number of a solid adsorbent surface contains a definite number of active sites a solid adsorbent surface contains a definite number of active sites on which the gas molecules are adsorbed, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, on which the gaseous molecules are adsorbed, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, ईच साइट कैन होल्ड ओनली वन गैसेस मॉलिक्यूल, ईच साइट कैन होल्ड ओनली वन गैसेस मॉलिक्यूल व्हिच मींस मोनोलेयर फॉर्मेशन। अब लिख लीजिए थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है व्हेन ए एडजॉर्प्शन साइट इज ऑक्यूपाइड, दिस इज थर्ड नंबर पोस्टलेट, When a adsorption site is occupied, a definite quantity of heat is liberated called heat of adsorption. Adsorption के टाइम जो हीट रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं adsorption, heat of adsorption, ठीक है। A definite quantity of heat is liberated is called as heat of adsorption, ठीक है। And this quantity is identical. This quantity is identical for all the adsorption site. That is, all the adsorption site are equally probable for their coverage. मतलब मान लीजिए कि ये एक सॉलिड का सरफेस है, ठीक है। ये है जो साइट्स साइट्स फॉर एडजॉर्प्शन एंड ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर साइट में ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दिस पर्टिकुलर साइट पे ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल जितना एनर्जी रिलीज होगा और जितना हीट रिलीज होगा वो एक पर्टिकुलर वही पूरा पूरा सॉलिड का सरफेस के लिए सेम होगा, ठीक है। मतलब सॉलिड तो हमारा कितना बड़ा होता है ना, सॉलिड जो लिए हमने, इतना बड़ा जो सॉलिड लिए वहाँ पे जो एडजॉर्प्शन साइट है, हर साइट में जब भी एडजॉर्प्शन होगा हर साइट पे जो हीट रिलीज होगा वो आइडेंटिकल होगा। मतलब मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ साइट से, ठीक है, ये है ए साइट, ये बी साइट, सी साइट, डी साइट, ई साइट, एफ साइट। तो हर एक पर्टिकुलर साइट पे जो हीट रिलीज होगा वो इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो व्हेन ए एडजॉर्प्शन साइट इज ऑक्यूपाइड ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ हीट इज लिबरेटेड कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड दिस क्वांटिटी इज आइडेंटिकल फॉर
फॉर ऑल द एडजर्प्शन साइट, दैट इज ऑल द एडजर्प्शन साइट्स आर इक्वली प्रोबेबल फॉर देयर कवरेज। लिख लिया आपने, दिस क्वांटिटी इज आइडेंटिकल फॉर ऑल द एडजर्प्शन साइट, दैट इज ऑल द एडजर्प्शन साइट्स आर इक्वली प्रोबेबल फॉर देयर कवरेज। अब लिख लीजिए कि फोर्थ पोस्टलेट क्या होता है। फोर्थ पोस्ट देखिए, अगर आप मेरे साथ साथ लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और वहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फोर्थ पोस्टलेट के बारे में, द गैस मॉलिक्यूल डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। गैस जो मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब्स होते हैं एक पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट के ऊपर, जब गैस मॉलिक्यूल्स या फिर कोई लिक्विड पार्टिकल एडसॉर्ब होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब एडसॉर्प्शन साइट से इंटरेक्ट करते, लेकिन गैस मॉलिक्यूल के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता, या फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। सिर्फ वो किसके ऊपर इंटरेक्ट करते, जो एडसॉर्प्शन साइट के ऊपर, ठीक है। दैट इज दिस इज फिजिकली इन नेचर, मतलब ये होगा क्या, मोनोलेयर एंड फिजिकल एडसॉर्प्शन इन नेचर। द गैस मॉलिक्यूल डोंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दैट इज सॉरी दिस ईच अदर, दैट इज दिस इज ए फिजिकल इन नेचर, ठीक है। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस इन नेचर। ओके, फिफ्थ पोस्टलेट लिख लीजिए, द गैसियस एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड एडसॉर्बेंट सर्फेस। मान लीजिए कि ये जो साइट है, यहाँ पे जो मान लीजिए, वन सेकेंड इन चेंज कर लेते हैं। ओके, ये जो पर्टिकुलर एडसॉर्प्शन साइट है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके एडसॉर्प्शन साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ साइट आपका सॉलिड स्टेट साइट, और ऊपर रहे हमारा गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऊपर रहा आपका गैस मॉलिक्यूल्स। तो जब जब एडसॉर्प्शन होगा वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब एडसॉर्ब मॉलिक्यूल एंड एडसॉर्बेंट सरफेस, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो इसको अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, इसकी फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्वेशन लिख लीजिए, ये होगा क्या, जी प्लस एस के एडसॉर्प्शन डिवाइडेड बाय के डिसॉर्प्शन इनटू जी एस। तो जी क्या है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो एडसॉर्ब हो चुके हैं, एस क्या है, साइट्स जो अब तक कवर नहीं हुए गैस एडसॉर्बेंट के। ओके, अगर यहाँ पे डिटेल में लिख लीजिए, जी इज योर ऑन एडसॉर्ब्ड सरफेस, ऑन एडसॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल। एस क्या है आपका, वैकेंट साइट। जी एस क्या है, कवर्ड साइट ऑन एडसॉर्बेंट, कवर्ड साइट ऑन एडसॉर्बेंट विथ वन गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये हुआ आपका फिफ्थ पोस्टलेट, ठीक है। तो चलिए अब हम डिराइव करते। तो आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा थोड़ा याद होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वही होता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोच। क्या तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है बाय जो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल, एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल उनके बीच में भी एडसॉर्प्शन, उनके बीच में भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने लिखा क्या, जी प्लस एस इक्विलिब्रियम टू जी एस, ठीक है। तो हमने आपने अगर सुना होगा केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ
दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। वन सेकेंड गाइज, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने लिया था यहाँ पे के एडसॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट एंड के डिसॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट। डिसॉर्प्शन मतलब गैस मॉलिक्यूल का सॉलिड सरफेस को लीव करना, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, के ए इंटू जी इंटू एस, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम लिख सकते हैं क्या, के डी इंटू जी एस। तो अगर यहाँ पे इसको आप छोटा ए स्मॉल है या फिर बड़ा है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो के ए डिवाइडेड बाई के डी विल बी इक्वल टू, इसको इस बार ले आइए, जी एस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई जी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू एस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए ये है क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये होता है क्या के इक्विलिब्रियम। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का डिवीजन जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, वो होता है क्या इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोच किया ना, तो इसीलिए हमने के एडसॉर्प्शन डिवाइडेड बाय सॉरी हाँ के एडसॉर्प्शन एंड के डिसॉर्प्शन का डिवीजन को मैंने डिनोट किया के इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू जी एस डिवाइडेड बाई जी इंटू एस। ओके, यहाँ पे जो के आया, जो के इक्विलिब्रियम आया, जो के आया, जो इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम आया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लैंगमुयर एडजर्प्शन आइसोथर्म कोफिशेंट और लैंगमुयर कांस्टेंट। वो जो के आया ना आपके पास, वो हुआ क्या, वो हुआ लैंगमुयर कांस्टेंट एंड और लैंगमुयर एडजर्प्शन आइसोथर्म कोफिशिएंट। अच्छे से याद रखना, ये जो के इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है उसको हम बोलते हैं लैंगमुयर कांस्टेंट और लैंगमुयर आइसोथर्म सॉरी लैंगमुयर एडजर्प्शन आइसोथर्म कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए जी जो है यहाँ पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उस गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो के विल बी इक्वल टू क्या होगा, जी एस सॉरी जी एस डिवाइडेड बाई जी इंटू एस। तो जी को हम किसके अकॉर्डिंग, जी एस तो जी को हम किसके अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं, पी में प्रेशर, प्रेशर इंटू एस जो सॉलिड साइड है। ओके, यहाँ पे टॉर्म है क्या है, वो है फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे जो एस है, हमने यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन को प्रेशर में लिख लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक न्यू टर्म की, न्यू टर्म तो नहीं, हमने इसकी क्लास में थीटा पढ़ा ना, एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन, तो वो क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड फेसेस और फ्रैक्शन ऑफ और फ्रैक्शनल कवरेज, फ्रैक्शनल कवरेज, ठीक है। थीटा जो है यहाँ पे क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड फेसेस और फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल कवरेज, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये है पर्टिकुलर साइड एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे करके साइड्स प्रेजेंट है, वैकेंट साइड, उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। थीटा हमने क्या देखा था, एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन मतलब और फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड फेसेस, ठीक है।
तो थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? द फ्रैक्शन ऑफ कॉवर्ड साइड, मान लीजिए कि ये एक साइड है, यहाँ पे छ साइड प्रेजेंट है, वैकेंट साइड, एंड ऊपर छ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसा होगा? यहाँ पे मान लीजिए कि चार प्रेजेंट, ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसा होगा? मान लीजिए कि आपने 100 में से सिक्योर किया 50%, या फिर 50 मार्क रखा, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज आपका कितना आएगा? 50%। वैसे ही हमारा टोटल फुल साइड है छ, फुल साइड है ये साइड में छ, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर साइड में चार जो मॉलिक्यूल्स है जी है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो चार वाला मान लीजिए कि कवर हो गया, ठीक है, तो चार खत्म होने के बाद जो दो बचेंगे उसको हम बोलते हैं क्या? वन माइनस थीटा, थीटा होता है कवर्ड फेसेस, कवर्ड फेसेस, एंड वन माइनस थीटा इज इक्वल टू अनकवर्ड फेसेस, ठीक है, थीटा आपका कवर्ड फेसेस है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 6, 6 है टोटल साइड एंड 4 इज द एडजेसेंट साइड ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगा क्या? 4 डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं बात करूँ 1 माइनस 6 की, तो यहाँ पे भी क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये है थीटा आपके पास 4 बाई 6, तो 1 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 बाई 6, तो 1 माइनस 4 बाई 6 मतलब 2 बाई 6, 2 बाई 6 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 प्लेस ऑक्यूपाइड है अभी, तो यहाँ पे क्या है? इसी जो जी एस था वो भी क्या था? जो कंपाउंड फॉर्म होता एडजर्शन के बाद, जो जी एस हमने लिखा था वो कब फॉर्म हो रहा था? जब गैस एंड सॉलिड का जो जब गैस एंड सॉलिड का कंबाइन हो जाता है इन केस ऑफ एडजर्शन, तो जी एस को हम लिख सकते हैं थीटा मतलब कवर्ड फेसेस, एंड जो हमारे पास ये जो गिवन है एस, जो गिवन है यहाँ पे फॉर्मूला था हमारे पास के इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास क्या? के इज इक्वल टू जी एस डिवाइडेड बाई जी इंटू एस, इसका मतलब जी एस इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? थीटा डिवाइडेड बाई पी इंटू 1 माइनस थीटा। एस था हमारा खाली स्पेस वैकेंट साइड, उसको हमने लिखा 1 माइनस थीटा, थीटा है कवर्ड साइड, ठीक है, तो अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के पी यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको अच्छे से याद रखना, लैंग्मुइर आइसोथर्म इक्वेशन क्या होता है? के इज इक्वल टू थीटा, लैंग्मुइर आइसोथर्म में के इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई पी होल इनटू 1 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? के विल बी इक्वल टू थी के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड थीटा के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा, ओके। जब तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ थीटा की, हमने देखा अभी के पी इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, स्लाइड थोड़ा ऐड कर लेते हैं।
सेकेंड गाइस, थोड़ा न्यूज़ स्टैंड को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो चलिए इन चेंज कर लेते हैं अभी। तो हमारा इक्वेशन क्या था? थीटा इज सॉरी के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डिराइव करूँ, के पी होल इंटू 1 माइनस थीटा विल बी थीटा। सो के पी मल्टीप्लाई कर लीजिए हर एक इंडिविजुअल से, के पी थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। सो के पी इज इक्वल टू के पी थीटा प्लस थीटा, और के पी इज इक्वल टू थीटा अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस के पी, और थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या, के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। ठीक है, यही हुआ आपका और एक फाइनल इक्वेशन। पहला इक्वेशन आपके पास क्या था, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो अब हम बात करते हैं प्लॉट्स के बारे में। केस वन मान लेते हैं, ये इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, प्लॉट्स देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, केस वन ठीक है, लो प्रेशर के बारे में। केस वन एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर में क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि 1 प्लस के पी होता है ना, या फिर यस 1 प्लस के पी होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है प्रेशर। तो अगर पी बहुत कम हो गया तो ये जो केपी जो टर्म होगा वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। जब आर्ट वेरी लो प्रेशर, 1 विल बी मच मच ग्रेटर देन के पी, क्योंकि के पी का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए मान लीजिए कि प्रेशर हम बहुत छोटा है, मतलब मान लीजिए कि 0.1 atm या फिर 0.11 atm को पुश करें, 0.11 atm को दे रहे हैं। ठीक है, 0.11 atm हमने प्रेशर लिया। तो अगर ये प्रेशर इतना कम हमने लिया वेरी लो प्रेशर, तो ये जो केपी जो टॉर्क होगा वो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा 1 से, इसीलिए ये जो केपी जो टॉर्म आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसीलिए 1 इज मच मच ग्रेटर देन केपी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा हमारे पास क्या था इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस केपी। ये वाला जो टर्म होगा उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो ये होगा क्या, के पी डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू के पी। तो अगर मैं आप लोगों के पास थीटा एंड पी के वर्सेस में ग्राफ बनाऊं, थीटा एंड पी के वर्सेस में अगर हम क्या ग्राफ बनाएं, क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक फास्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब आपने काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आपको हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फास्ट ऑर्डर मतलब जो जो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट जो रेट है वो जो रिएक्टेंट रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो पॉइंट आ गया, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, ग्राफ जो आएगा कैसे, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर हमें बात करूं, चलिए अब हम बात करते हैं एट केस टू के बारे में, जहां पे प्रेशर इज वेरी हाई। प्रेशर वेरी हाई मतलब के पी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो थीटा हमारे पास गिवन था के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। तो केपी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। 1 लाख के आगे 1 जो नंबर आएगा वो बहुत छोटा आएगा, तो इसीलिए 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो थीटा विल बी इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई केपी ऑन इग्नोरिंग 1। तो केपी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जो थीटा है और जो एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो रेट के ऊपर डिपेंड ये कर रहा है,
और वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेट होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ आपके पास थीटा डिवाइडेड बाई वर्सेस पी की, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉन्स्टेंट, ये तो ये वन आ गया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ। अगर हमारा पिछले वाला ग्राफ कैसा था, पिछले वाला ग्राफ था ऐसे थीटा वर्सेस पी का, तो अगर ये दोनों ग्राफ को मैं कंबाइन करके लिखूँ तो वो आ जाए आ रहा है आपके पास ऑब्जर्वेशन आइसोथर्म के लाइक थीटा वर्सेस पी, ऐसे ही हमें देखा था ऑब्जर्वेशन आइसोथर्म, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास ग्राफ्स और प्लॉट, ठीक है। हमने थीटा वर्सेस पी के बारे में ग्राफ्स पढ़ लिए, तो जितना भी आपका एग्जाम में आएगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इतना ही आएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक जो आपको पढ़ाया गया है उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। एंड वेट कल कल तक वेट कीजिए, कल मैं सोच रहा हूँ आपके पास शायद ये ऑब्जर्वेशन आइसोथर्म ऑब्जर्वेशन जो टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन कोलिगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, होप यू एंजॉयड दिस सेक्शन सेशन, ठीक है। एंड जो भी आपको क्वेरीज आ रहा है उसको आप टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या फिर आप हम लोगों के साथ, हम आपके मेंटर्स हैं ना, तो हम लोगों के साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं उसी से नंबर लेके हमारा, ठीक है। तो इसीलिए तब तक एंजॉय करते रहिए, अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट को हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, ठीक है। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।